हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस पेपर ऑन मैथमेटिक्स एक बार पेपर रिव्यू करते हैं, पेपर डिस्कशन करते हैं। पेपर किस तरह रहा होगा, आपने कितने आंसर्स करेक्ट लिखे हैं एक बार चेक करते हैं। मैं सॉल्व कराऊंगा, आप अच्छी तरह देखिए। फर्स्ट सेक्शन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है, राइट द फार्मूला टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड एक्सप्लेन टर्म। इसका फार्मूला आपको लिखना है, सम ऑफ द एंथ टर्म का। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, आपने दो टाइप के फार्मूले, इसके अंदर दो टाइप के फार्मूले भी आप लिख सकते हैं। तो मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर होगा ए, हम कहेंगे फर्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं, एल को लास्ट टर्म हम लिख सकते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। और एस एन को हम लिख सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, इस तरह लिखना है इसको। और एन लिख सकते हैं एनथ टर्म, इस तरह आप लिख सकते हैं। ए भी फार्मूला इसका है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, ए बॉक्स कॉन्टेन एट ब्लॉक, एक बॉक्स में एट ब्लॉक बॉल्स है। यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू, एक ब्लैक बॉल्स कितने हैं, एट, और वाइट बॉल्स कितने हैं, ये वाइट बॉल्स है यहाँ पर सेवन, वाइट बॉल्स सेवन, और ब्लू बॉल्स है फाइव। यहाँ पर आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बल्कि आप दे सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स, दे सकते हैं 20 है टोटल 20। अब मालूम क्या करना है, ब्लू बॉल्स का प्रोबेबिलिटी आपको लेना है। यहाँ पर लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, पूरा आप लिख लीजिए फार्मूला, फेवरेबल आउटकम्स बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। चलिए, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं यहाँ पे, फाइव, यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है सॉरी 20, 5 × 5, 5 × 4 = 20, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/4। थर्ड वाला देखिए, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रूट्स आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या दे रखा है यहाँ पे, 2x² क्वेश्चन नंबर थर्ड, -3√3x + 3 = 0। इसको स्क्वायर रूट लेना है तो फैक्टर्स लेंगे तो नहीं आएगा, a = 2, b = -3√3, c = 3, इस तरह आप ले सकते हैं। और क्वाड्रेटिक रूट्स का फॉर्मूला -b√√b² - 4ac/2a, ये b² - √3√b² हो जाएगा -3√3² - 4ac(2×3)/2a, 2×2, इस तरह होगा ये 3√3 + √3 3 × 9 × 3 हो जाएगा -4 × 8 3 = 24 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 / 2 = 4, ये 3√3 + √9 3 = 27 माइनस करेंगे 3/4। अब इसको आप एक बार 3√3 + √3/4 लिख सकते हैं, और एक बार लिख सकते हैं 3√3 - √3/4, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए टॉय इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, द एंटायर टॉय इज 6 cm हाइट एंड द डायमीटर ऑफ ए कोन इज 4 cm, ड्रॉ द रफ डायग्राम। सिर्फ आपका इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ भी आपको नहीं है। यहाँ पर देखिए फोर्थ वाला, एक टॉय है सरमाउंटेड, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है, ये कोन है और इसके नीचे एक हेमिस्फीयर है, और इसका हाइट है 6 cm और इसका डायमीटर है 4 cm। यहाँ से आपको 4 cm बस इतना ही आपको ड्रा करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी करना नहीं है। शो दैट -2, 4, 2, 2, 6, 0 कोलिनियर। इसको दो टाइप से कर सकते हैं, अगर आप डिस्टेंस बिटवीन में कर रहे हैं तो AB + BC = AC प्रूफ करना है, या एक और फार्मूला आप ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप ले सकते हैं। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही कर रहा हूँ, आप चाहे तो डिस्टेंस बिटवीन से भी आप कर सकते हैं। ये गिवन है 2, 2, 6, 0, इसको x1, y1, x2, y2, x3, y3,
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 मॉड एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर आप सब्सटीट्यूट कीजिए, कोलिनियर है या नहीं मालूम हो जाएगा। 1/2 एक्स वन माइनस टू वाई टू टू माइनस ज़ीरो, फिर एक्स टू टू वाई थ्री ज़ीरो माइनस फोर, फिर प्लस एक्स थ्री सिक्स फोर माइनस टू। ये 1/2 टू टू ज़ा फोर माइनस टू ज़ीरो ज़ीरो टू ज़ीरो ज़ीरो टू फोर ज़ा एट सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व। 1/2 ये तीनों को ऐड करेंगे 24, फिर यहाँ से प्लस 24। 1/2 24 माइनस 24 ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ कोलिनियर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह। सिक्स देखिए, टू कंसेंट्रिक सर्कल रेडियाई, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक कंसेंट्रिक सर्कल है, दो कंसेंट्रिक सर्कल, एक का रेडियाई है 6 सेंटीमीटर और इसका टेंजेंट है 10 सेंटीमीटर। इस तरह आप ले सकते हैं, ए 6 सेंटीमीटर ए 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द पॉइंट द लेंथ ऑफ द कर्व ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल। आपको लार्जेस्ट सर्कल स्मॉलर, इसको चाहे तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। देखिए ये कंसेंट्रिक सर्कल है, यहाँ से एक लाइन देकर 6 सेंटीमीटर ये टचेस देकर इस तरह आप ले सकते हैं, एक 10 सेंटीमीटर ए 10 सेंटीमीटर, ये कितना है ये कितना है आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको सिंपल फार्मूला ले सकते हैं, एल इज इक्वल टू टू है, टू अंडर रूट आप ले सकते हैं डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो बड़ा नंबर होगा उसको डी लेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको हम लेंगे टेन सिक्स लेंगे। ये एक और फार्मूला है आपका, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका भी आंसर सेम आ जाएगा। ये आप बाय द पाइथागोरस अगर ले लेंगे तो आपको यही आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, डी स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर, टू डी स्क्वायर टेन टेन 100 माइनस सिक्स सिक्स 36, टू इंटू ये दोनों को माइनस कीजिए 64, टू इंटू 64 का स्क्वायर रूट होगा 8, टू एट का क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं। चलिए सेकंड सेक्शन देखेंगे, ये टू डाइस थ्रो इन सेम टाइम, ये आप कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी का बहुत आसान है, डाइस वाला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एट वाला देखेंगे हम, एट वाला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स विच हैव यूनिट प्लस एंड आइदर जीरो एंड फाइव, ये आपको लेना है जो पूरे नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके अंदर कौन से लास्ट यूनिट प्लस जीरो आना या फाइव आना, जीरो किस में आएगा 10 में आएगा टू डिजिट नंबर, और ये 5 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में आएगा, इस तरह चलते चलते लास्ट 95 तक आएगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा ले रहे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू आप 10 ले सकते हैं और d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन 15 माइनस 10 ये हो जाएगा 5। n इज इक्वल टू आप ले सकते हैं 95 माइनस 10 प्लस 5 बाई 5 आप ले सकते हैं, एन मालूम हो जाएगा, ए 90 बाई 5 5 1 5 18 एन इज इक्वल टू 18 आ गया। अब इसको एस एन इज इक्वल टू शॉर्ट फार्मूला ले सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल ये ले सकते हैं, एस एन 18 आ गया, एन 18 बाई 2 इंटू ए क्वेश्चन में है 10 प्लस एल भी हमको मालूम है लास्ट नंबर है 995 यहाँ पर है, ये लास्ट नंबर है 995, 2 1 2 2 9 9 इंटू ये दोनों को अगर ऐड करेंगे 105, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45 4 9 0 0 4 9 1 9 इस तरह आंसर आ जाएगा। चलिए नाइन्थ है देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 15 ईयर्स, दोनों फ्रेंड का सम 15 ईयर्स है, 2 ईयर्स एगो अगर 2 साल पहले देयर प्रोडक्ट एजेस 30, राइट द सुटेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व द प्रॉब्लम, आपको करना है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर ले लेंगे, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड हमको पता नहीं है, टू फ्रेंड्स की एज है तो पहले वाले फ्रेंड की एज कितनी है हमको नहीं मालूम, उसको हम लोग क्या लेंगे एक्स ईयर्स ले लेंगे। सेकंड फ्रेंड की एज दे रखा है, सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स दे रखा है, ये आपको पता है। अब इसका प्रोडक्ट आप करेंगे, हम तो 30 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है प्रोडक्ट, पहला वाला एक्स 2 ईयर्स एगो माने 2 साल पहले और प्रेजेंट, यहाँ पे 15 माइनस एक्स माइनस ये 2 लेना है क्योंकि दोनों की एज हम लोग 2 ईयर्स पहले देख रहे हैं, इज इक्वल टू 30, एक्स माइनस 2
ये दोनों को माइनस करेंगे 13 हो जाएगा, 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 13 13x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 26 आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 30। ये माइनस एक्स स्क्वायर 13 प्लस 2 15x माइनस क्या है यहाँ पे 26, इसको इधर ला लीजिए माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x ये दोनों को ऐड करेंगे माइनस 56 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में माइनस नहीं रहना, माइनस से मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 56 माइनस माइनस प्लस 56 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स निकालेंगे 56x स्क्वायर के, 56x स्क्वायर 87 जा 56 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा दोनों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन एक्स माइनस 8 एज इट इज ब्रैकेट दे रखे, एक्स माइनस 8 ये माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम होगा, एक ब्रैकेट यहाँ का एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 8 हो जाएगा ये आंसर। टेंथ वन देखिए, ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ ए मेटालिक क्ले, ए गर्ल मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ द कोन, इट हाइट 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। दो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, एक स्पीयर है और एक कोन है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है टेंथ वाला, ये स्पीयर है यहाँ पर दे रखा है आर इज इक्वल टू 21 और एक कोन है, एक कोन का रेडियस पता है नहीं मालूम है, मालूम करना है, और इसके हेज पटा है 10.5 सेंटीमीटर्स, ये आपको पता है। तो यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ये आपको लेना है। इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर हेच, इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई पाई कैंसिल, 3 और 3 भी कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया आर स्क्वायर हेच इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया 4r³। अब यहाँ पर आर स्क्वायर हेच पता है 10.5 क्वेश्चन में, ये 4 इंटू आर क्यूब मतलब यहाँ पे 21 थ्री टाइम है 21, अच्छा ये क्वेश्चन में डायमीटर कह रहा है, डायमीटर डायमीटर का मतलब 21/2 लेना है आपको, 21/2 टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, ये भी कैंसिल हो गया, टू वन ज़ा टू, टू टेन पॉइंट ज़ा फाइव ज़ा, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरे इधर लिखेंगे 10.5 इंटू 21 इंटू 21, फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरफ 10.5 यहाँ पर, तो ये दोनों यहाँ पर आपको कैंसिल, तो बच गया 21 इंटू 21, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 को 21 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, आर इज इक्वल टू 21, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये देखिए, इफ टू टैंजेंट ए पी बी पी, यहाँ पे दे रखा है ये ए पी और बी पी दो टैंजेंट है, ड्रॉ ए सर्कल विद द सेंटर ऑफ द ओ से सेंटर से, एक्सटर्नल पॉइंट इसका ए पी, एक्सटर्नल बाहर का पॉइंट है, तो ये आपको प्रूफ करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर आप लोग लेंगे, फर्स्ट लेंगे पी ए एंड पी बी आर टैंजेंट, ये दोनों टैंजेंट्स है, ठीक है, तो एंगल पी ए बी हो जाएगा, एंगल बी पी ए हो जाएगा, यहाँ पर ये पी ए बी हो जाएगा, उसी तरह बी पी ए की कैसे भी लो इस तरह हो जाएगा, तो पी ए परपेंडिकुलर ओ ए, ये पी ए, ये पी ए और परपेंडिकुलर ओ ए, तो उसी तरह एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्रीज है, तो यहाँ पर एंगल पी ए बी प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज होगा, तो यहाँ पर एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 90 इस तरफ ला लेंगे, अच्छा ये इस तरफ ला लेंगे माइनस एंगल पी ए बी, यहाँ पे पी ए बी इस तरफ, यहाँ पर ओ ए बी इज इक्वल टू 90 इस तरफ ला लीजिए, माइनस पी ए बी होगा, ट्राइंगल पी ए बी में क्या हो जाएगा, पी ए बी प्लस पी, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट और द वर्टिसेस एंगल एट राइट एंगल ट्राइंगल, आपको प्रूफ करना है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इस तरह का एक डायग्राम आपको लेना है, ए बी सी, ए है 6.5,
बी है, 3, 2 सी है, 7, -2। आप राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। तो फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन का ही लेंगे हम लोग, x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर, यही फॉर्मूले में हम लोग सब्सटूट करेंगे। ए बी अगर करें, ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 3 - 6 स्क्वायर y2 - y1 2 - 5 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 3 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 3 स्क्वायर, ये 3 3 9, ये दोनों को ऐड करेंगे √18 हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह बी सी करेंगे, यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ये 7 - 3 स्क्वायर + -2 - 2 स्क्वायर, ये 7 - 3 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 16, 4 4 जा ये भी 16 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 32। उसी तरह ए सी ले लेंगे, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ये दोनों 7 - 6 स्क्वायर - 2 - 5 स्क्वायर, 7 - 6 स्क्वायर + -2 - 5 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे -1 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे -7 स्क्वायर, ये 1 1 ज़ा 1 7 7 ज़ा 49, ये दोनों को ऐड करेंगे 50। अब देखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर है √50 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है 18 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर है √32 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ये पूरे कैंसिल, 50 = 18 + 32, ये 50 = 50, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये 13 देखिए, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, द पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, इसका कंस्ट्रक्शन करना है, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है। देखिए ये कंस्ट्रक्शन मैंने पहले करके रखा है, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन आपको करना है, एक टेंजेंट टच करना है यहाँ पे, एक 9 सेंटीमीटर की एक 6 सेंटीमीटर की लाइन लेके, और इसके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है, देखिए कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स, एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स भी लिखना है, लास्ट में ये वेरिफिकेशन भी है, वेरिफिकेशन भी हम लिखे, इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 14 वाला है, देखिए राइट द टोटल आउटकम ऑफ ए डेक कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स इफ द कार्ड सेलेक्टेड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्ड फेस कार्ड्स को रैंडमली सेलेक्ट करें। तो टोटल आपको डेक कार्ड्स कितने रहते हैं वो आपको लिखना है, 14th डेक कार्ड्स टोटल 52 रहते हैं, इसको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपको देना है, इसको फेवरेबल आउटकम्स कितने 52 टोटल, और फेस कार्ड्स कितने रहते, फेस कार्ड्स 13, फेस कार्ड्स टोटल 12 रहते, क्योंकि क्वीन किंग जैक हार्ट में एक एक रहेगा, और स्पेड में एक एक रहेगा, क्लब में एक एक रहेगा, और उसी तरह हार्ट डायमंड में एक एक रहेगा, टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितने होंगे 12 फेस कार्ड्स, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मालूम करना है तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाई सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये आपको लिखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके 12 है, पॉसिबल आउटकम 52, 2 6 12, 2 2 4 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, इसका आंसर 3/13, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए लार्जर सर्क्यूलर सिलेंडर दैट कैन कट आउट द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में इसको कट कर रहे हैं, तो सिलेंडर को इसका 15th वाला एक क्यूबॉइड, इस तरह एक क्यूबॉइड हम ले लेंगे, इसके अंदर से एक सर्कुलर सिलेंडर इस तरह कट कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेथ हाइट यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है 7 7 एंड 15, टेक द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पर आपको लेना है दैट सरफेस क्यूबॉइड। तो यहाँ पर डायामीटर दे रखा है, डायामीटर ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा 7 दे रखा है, तो इसलिए 7/2 हो गया ए डायामीटर, और हाइट भी दे रखा है 15 सेंटीमीटर्स, और
रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2। अब मालूम क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच कैसे भी लिख सकते हैं, 2 × 22/7 इंटू 7/2 हो जाएगा, एच 15 + 7/2 इस तरह आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 2 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू ये अंदर कैल्शियम 2 लेंगे, 2 15 = 30 प्लस ये 7 11 इंटू ए 2 1 2 2 11 11 इंटू ये 37, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 407 सेंटीमीटर क्यूब इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्राई सेक्शन आपको लेना है पॉइंट, ट्राई सेक्शन आपको पता ही है 1:1 2:1 होगा, ये आपको लेना है, लेके आपको सेगमेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 16, पहले हम ले लेंगे ये ए बी 1:2 पहले ले लेंगे, ए की वैल्यू है 10 - 2 और ये -2, 7 ये हो जाएगा एम वन, ये हो जाएगा एम टू, उसके बाद x1 y1 x2 y2। अब आपको पी एक्स इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट करना है m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, पी वाई इज इक्वल टू m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2, ये सॉल्व करना है आपको। पहले सब्सटीट्यूट कीजिए आप, एम वन क्या होगा आपका 1, एक्स टू माइनस टू प्लस एम टू 2 = 10 / 1 + 2, ठीक है, उसके बाद ये 1 × 7 + 2 × -2 / 1 + 2, मल्टीप्लाई कीजिए -2 + 2 10 = 20 / 3, ये क्या होगा 1 7 = 7 - 2 = 4 / 3, ये दोनों 18 / 3, ये 3 / 3, 3 1 = 3 6 3 1 = 3 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 1। फिर दोबारा सेम प्रॉब्लम लेके आपको 2:1 लेके करना है आपको सेम प्रॉब्लम ए बी, ये आपको पता है 10 - 2, ये सेम एज इट इज लेना है, -2, 7 एज इट इज लेना है, यहाँ पर लेना है 1:2 लिए हम, अब 2:1 लेना है, 2:1 m1 m2 x1 y1 x2 y2, फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना, पी एक्स इज इक्वल टू m1 x2 m1 2 - 2 + 1 × 10 / m1 + m2 2 + 1, यहाँ पे m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 = 4 + 2 1 10 = 10 / 3, 2 7 = 14 - 1 2 = 2 / 3, ये दोनों 6/3, ये दोनों को माइनस करेंगे 6/3, ये दोनों को माइनस करेंगे 12/3, 3 1 3 2 3 1 3 4 2, 4 इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ए मोटर बोट हेड्स अपस्ट्रीम डिस्टेंस 36 किलोमीटर पर रिवर, ए रिवर हुज करंट इज रनिंग एट 4 km/h, द टिप ऑफ ट्रिप अप एंड बैक 12 hours, अज्यूमिंग दैट द मोटर बोट मेंटेन द कॉन्स्टेंट स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रैवल, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, एक अपस्ट्रीम को 36 km/h है इस तरह दे रखा है, तो इसको मैं सिंपल वे में कराऊंगा, अच्छी तरह समझिए जाइए, 17, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर समझेंगे, क्योंकि देने रखा है, उसके बाद द स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर यहाँ पे दे रखा है, ये भी पर आवर करंट स्पीड, स्पीड अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ अगर जा रहा तो स्लो हो जाता वो, तो x-4, और डाउनस्ट्रीम जा रहा तो स्पीड हो जाता, क्योंकि पानी के बहाव के जिस तरफ जाएंगे उस तरफ स्पीड हो जाता है x+4। अब इस 12 hours जर्नी है इसकी, दोनों आने जाने में 12 hours टाइम ले रहा, तो इसको बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बाय द प्रॉब्लम कितने किलोमीटर है 36 किलोमीटर, बाय पहले अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम और कितने आवर्स 12 hours काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 36 कॉमन लेके 1/x-4 + 1/x+4 = 12, ये 1/x-4 + 1/x+4 = 12/36, 12 1 12 3 1/x-4 + 1/x+4 = क्या बच गया 1 बाई
थ्री, एलसीएम लेंगे एक्स माइनस फोर, ये एक्स प्लस फोर, क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू वन बाई थ्री, ए माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल, ए टू एक्स बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर फोर जा सिक्सटीन इज इक्वल टू वन बाई थ्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अब तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू टू एक्स इंटू थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू टू थ्री जा सिक्स एक्स, एक्स स्क्वायर अंदर की तरफ ला लो माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, सिक्सटीन एक्स के फैक्टर्स बनाएंगे हम, एट टू जा सिक्सटीन, माइनस इसको प्लस ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन एक्स माइनस एट, इधर भी एक एक्स माइनस एट, एट टू इज इक्वल टू जीरो, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट जाएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस एट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट 8 किलोमीटर पर आर, ये नेगेटिव नहीं लेना खाली सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना। चलिए देखिए, शो दैट द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर पूरे लेना है जो 6 से डिवाइड होते हैं इज 82 एंड 350, यहाँ से आपको लेना है। देखिए 6 थ्री डिजिट नंबर्स, एक क्वेश्चन नंबर 18, थ्री डिजिट नंबर्स क्या क्या होंगे, 100, 101, ये 102, ये सारे थ्री डिजिट है लेकिन डिवाइड होते हैं 6 से, डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड होने वाले 102, 108, ये पूरे 996 तक ये होंगे। ए इज इक्वल टू 102 होगा, डी इज इक्वल टू 6 होगा, 106 माइनस 102 और ए एन लास्ट नंबर होगा 996। अब आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एस एन, इसमें आपको ए एन इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है ए एन, अब ए आपको पता है 102 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन पता है 996 और डी भी आपको पता है 6 डी, ये एन माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 996, इधर ला लीजिए माइनस 102, इसको इधर ला लेंगे 102, एन माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू ये दोनों को माइनस करेंगे 894, एन माइनस वन इज इक्वल टू 894 बाई नीचे 6, 6 वन ज़ा 6, 6 वन ज़ा 6, 4 ज़ा 6, 9 ज़ा एन यहाँ पर ले सकते हैं आप, माइनस वन इज इक्वल टू 149, एन इज इक्वल टू 149 इस तरफ ला लीजिए प्लस वन, एन इज इक्वल टू 150। अब एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल आप ले सकते हैं, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए, एस एन 150 इज इक्वल टू एन 150 बाई टू इंटू ए क्वेश्चन के अंदर है आपके पास 102, एल बी क्वेश्चन के अंदर है आपके पास 996, टू वन ज़ा टू यहाँ पे टू सेवन ज़ा टू फाइव ज़ा 75 इंटू ये 10, ये दोनों को ऐड कीजिए 1098, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 82350, इस तरह आंसर आ जाएगा। चलिए पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं, पार्ट बी देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के अंदर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर इस तरफ करेंगे, ये एक्स स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई करने पर, ये वन माइनस टू टू एक्स होगा, वन माइनस थ्री, वन थ्री ज़ा थ्री होगा इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा, और वन और टू थ्री होगा, ये वन टू ज़ा टू होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस टाइप का, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसका पावर टू होगा, तो यहाँ पर अगर ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स होगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर होगा, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं बच रहा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर मिलेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये टू एक्स स्क्वायर है, इधर ला लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और इस तरफ ला लो माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इस तरफ ला लेंगे माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर थ्री माइनस टू वन टू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट, के की वैल्यू फाइंड आउट आपको करना है, बहुत आसान है, के की वैल्यू के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी ले लेंगे हम, ये ए होगा ए बी होगा ए सी होगा, बी स्क्वायर थ्री के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी, फोर इंटू नाइन, ये थ्री थ्री ज़ा नाइन के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरों को मल्टीप्लाई कीजिए 144,
के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 बाई 9, 9 वन जा 9, 9 वन जा 9 सिक्स जा के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ये 4 स्क्वायर, आप इस तरह लिख सकते हैं के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू ए स्क्वायर को प्लस आर माइनस ये 4 इस तरह आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस आर माइनस 4 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ये होगा बी। यहाँ पर देखिए इफ सेकेंड टर्म ऑफ ए पी इज 10, सेकेंड टर्म मतलब ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू 10 है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 10 एंड फिफ्थ टर्म ए फाइव इज इक्वल टू ए प्लस 4d इज इक्वल टू 31 है, एट्थ टर्म क्या होगा मालूम करना है, तो ये माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 21, 3 1 3 7 d इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, इसको किसी एक में सब्सिट्यूट करेंगे a प्लस डी इज इक्वल टू 10, ए प्लस डी 7 इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10 इधर ला लीजिए माइनस 7, ए इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा अब यहाँ पर हमको एट्थ टर्म ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस 7d, ए की वैल्यू है 3 प्लस 7d की वैल्यू है 7, ये 3 प्लस 7 जा 49, ये दोनों को ऐड करो 52, तो यहाँ पर हो जाएगा d, इस तरह आप इसको लिखना है। यहाँ पर देखिए GP का कॉमन रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ये GP में कॉमन रेशियो आएगा, कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। ये यहाँ पे विच टर्म ऑफ GP रूट टू वो टू टू रूट टू इज 4 इज इक्वल टू 64, इसको आप क्या लिखेंगे AR पावर ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 लिखेंगे, और यहाँ पर a रूट टू इंटू रूट टू पावर ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 यहाँ पर दे रखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 पावर ऑफ 1 बाई 2 आ जाएगा, n बाई 2 इज इक्वल टू 64 आप लिख सकते हैं, और उसी तरह यहाँ पर आपको ये 2 पावर ऑफ n बाई 2 इज इक्वल टू 64 का अगर एलसीएम निकालेंगे 2 पावर ऑफ 6 हो जाए दोनों कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2 6 क्या होगा 12, ये होगा d। ये तो आपको फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोंस फार्मूला s इज इक्वल टू s, तो यहाँ पर देन द फॉर्मूला s क्या होगा ये आपको आसानी से मालूम कर सकते हैं, s होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ए बी। यहाँ पर देखिए सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का मतलब ए एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, 1 प्लस 3 प्लस 2 बाई 3 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 9 बाई 3, ये पूर्व को ऐड कीजिए 6 बाई 3, ये दोनों कैंसिल, ये 9 बाई 3, 3 1 3 2 3 1 3 3 2 3 ये होगा सी, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये देखिए स्लोप का लाइन पासिंग थ्रू का, ये यहाँ पर क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 m इज इक्वल टू, अब इसके अंदर सब्सटूट कीजिए y2 माइनस y1 3 y1 माइनस 2 माइनस प्लस 5 बाई 2 3 माइनस 2 माइनस प्लस 5 और ये माइनस 2 x2 माइनस 3, ये दोनों को ऐड कीजिए 8 बाई माइनस 5, -8 बाई 5 ये d। टेंथ वाला देखिए द एरिया ऑफ सेक्टर रेडियस 7 सेंटीमीटर विद एंगल ऑफ सेंटर 90, एरिया ऑफ सेक्टर का एक्स बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में अगर आप सब्सिट्यूट करेंगे तो एक्स 90 बाई 360 इंटू पाई 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर ये ले लेंगे 7 इंटू 7, ये दोनों कैंसिल, 91 जा 94 जा, यहाँ पर 22 7 जा 154 बाई 4 4 1 जा 4 कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 4 8 जा 0.5 जा, ये ए इस तरह कर सकते हो। उसके बाद द लेंथ ऑफ ए सर्कल 3 और 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, इसका सेंटर आपको फाइंड आउट करना है, तो एल इज इक्वल टू हम ले लेंगे डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस तरह ये 5 5 जा 25 3 3 जा 9, ये दोनों को माइनस करो 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 4 4 जा 16, तो इसके अंदर बी। ये सिंपल है, देख 100 प्लस यहाँ पर क्या 100 दे रखा है, 100 में कितने अगर ऐड करेंगे तो 180 होगा, इसको इस तरह संभालना है आप 60, ये सी इस तरह आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्लैंट हेड, द फॉर्मूला ऑफ सिंबॉलिक फॉर्मूला आपको
इसके अंदर से लिखना है, तो इसका पाई आर एल होगा, ये आपको फॉर्मूला आपको लिखना है कर्व सरफेस एरिया का। इसके बाद द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल वॉल्यूम 18 सेंटीमीटर्स देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपको सपोज इसको क्या करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इस तरह ले लेंगे, तो 1/3 ये पाई आर भी कैंसिल होगा इंटू यहाँ पे क्या होगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 18 बच जाएगा, 1/3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा, 3/18 जा 54, मतलब ये सी। इसको पूरा आप सॉल्व कर लीजिए, मैं जस्ट शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए आप तो कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। द स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सिलेंडर देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इसका क्या होगा, 3:2 होगा। इफ थ्री कॉइंस और टॉस सिमल्टेनियस, थ्री कॉइंस टॉस द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 होगा, डी यहाँ पे ए और डी ये नम नॉट ई, तो इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू क्या होगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.29 है प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0.29 अगर माइनस करेंगे तो 0.71 आ जाएगा, तो 0.71 बी, ये बी आप लिख सकते हैं। वन कार्ड सेलेक्टेड फ्रॉम द वेल शफल डेक कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होगा, 1/4 प्राइम नंबर 4 रहेंगे, 4/52, 4 1 4 4 1 4 3 1/13 डी। सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल 4, 5 एंड पासिंग थ्रू द -2, -3 देन द रेडियस क्या होगा, आपको इसका फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, x2 - x1 में ले लेंगे, 4 - 2 - +2 स्क्वायर, y2 - y1 5 - 2 - +3 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर प्लस ये 8 स्क्वायर, 6 6 = 36, 8 8 = 64, ये हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 a। द सम ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर 820 होगा, ये डी। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं।